15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत आज झिरनिया के समस्त विद्यालयों में छात्रों का वैक्सीनेशन किया गया। खालसा एकेडमी में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वैक्सीनेशन कैंप में BMO डॉक्टर दीपक जायसवाल उपस्थित हुए। वैक्सीनेशन कार्यक्रम में पूर्व विधायक धूल सिंह डावर, भाजपा मंडल अध्यक्ष ममराज पवार, अल्फा एकेडमी के चेयरमैन शरणजीत सिंह भाटिया उपस्थित हुए और छात्रों को वैक्सीनेशन के संबंध में जानकारी दी और अफवाहों से बचने हेतु बताया। झिरनिया से सुखदीप सिंह भाटिया की रिपोर्ट। पल्लवी तवारे और मैं खालसा एकेडमी स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं क्लास 12th में मैं मैथ सब्जेक्ट की हूँ। अभी मैंने मेरा फर्स्ट डोज लिया वैक्सीन का और मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। मुझे पहले इतनी अफवाह हुई थी कि वैक्सीन लगाने से तबियत खराब हो जाती है, हाथ दर्द होता है तो लगवाना नहीं चाहिए, मतलब फालतू का केमिकल क्यों डालना है, बट ऐसा कुछ नहीं है रियलिटी में। बट लगवाने के बाद आपको पता नहीं चलता है, मैंने इतनी अच्छी तरीके से लगवाया है कि पता ही नहीं चला कि कब लग गया। एक दो क्वेश्चन ऐसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पूछे थे, बट बिलीव की बहुत अच्छा, मतलब कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि वैक्सीन लगी या कुछ। और अगर आपकी इंचार्ज आपकी अगर तबियत खराब भी होती तो आपको टेबलेट्स दी गई है, आपको खाना खाने के बाद लेना है और नाइट में लेना है, तो आपको कोई इतना तबियत खराब नहीं होगा। ये सब अफवाह है कि कुछ होता है या फिर कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना कोई पेन फील होता है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।